नमस्कार दोस्तों, नौकरी गन यूट्यूब चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज उस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश संविदा 2018 की जो भर्तियां आई हैं, एक पीडीएफ फाइल आई उसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है 10 मई 2018 से आपके जो फॉर्म भरने शुरू होंगे। तो उस पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप तक आते रहें। तो चलो दोस्तों, ले चलता हूं मैं आपको उसी पीडीएफ फाइल पे बिना टाइम खराब किए। तो दोस्तों, ये है वो पीडीएफ फाइल, देखिए आप इसमें मतलब ड्राफ्टिंग जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो जैसे पीडीएफ फाइल जैसे आप बोलेंगे, जैसे व्यापम की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी तक ये कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कोई नोटिस नहीं आया है जिसमें संविदा की भर्ती आई हो। बट दोस्तों, लास्ट टाइम जैसे पटवारी का जो एग्ज़ाम था उसमें भी ऐसे ही हुआ था, जो है पीडीएफ फाइल दो दिन पहले आ गई थी और जो हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो व्यापम पे है वो 2 दिन बाद अपडेट हुआ था। तो शायद ऐसा भी हो सकता। तो चलो पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ये आपके जो बता रखा है, जैसे क्या व्यापम के नंबर वगैरह ईमेल वगैरह डाल रखी हैं, तो इसमें ये बताए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के लिए पात्रता परीक्षा 2018 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम, इसमें ये बताया गया है। देखिए आप, जैसे आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि, तो ये ऑनलाइन कब से 10 मई 2018 जो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, और आवेदन ख़त्म होने की अंतिम तिथि है जो आवेदन करने की वो है 25/5/2018, मतलब 10 मई से 25 मई तक ओनली आपको 14 दिन मिलेंगे, ठीक है, 14-15 दिन। तो ये काफ़ी कम है वैसे देखा तो। चलो कोई नहीं, वैसे परीक्षा दिनांक वे दिन तो जून 2018 बताएगी, इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताएगी, जून 2018। तो देखिए आप, जैसे मई में आपके फॉर्म ख़त्म हो गए, मई लास्ट में, तो जून में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट दिखा है इसमें, हालांकि इतना होता नहीं है। चलो फिर भी देख लीजिए, इसमें परीक्षा शाला ये फीस बताई गई है 500 रुपये, ये है अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपये। ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु MP ऑनलाइन का शुल्क ₹50 देय होगा, ये MP ऑनलाइन के लिए 50 रुपये आपके अलग से लगेंगे। तो ये समय सारणी बताई गई है, परीक्षा के दिनांक और इसमें टाइम बताया गया है। जैसे तो परीक्षा दिनांक एवं दिन ये बताया गया रविवार, ना कोई इसमें डेट मेंशन की गई है, हालांकि डेट तो ऊपर नहीं बताई थी कि जून ही बताया है, तो रविवार। और परीक्षा प्रारंभ समय 10 बजे से और उत्तरासीत वितरण समय प्रातः 10 बजे से। तो इसमें ये देखिए आप, जैसे ओनली रविवार बताया है, तो एक दिन में जैसे मान लो रविवार, एक महीने में 4 रविवार हैं, तो 4 रविवार की आपको परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। तो एक बात ये सोचने वाली है कि जैसे ऑनलाइन परीक्षा होगी तो 4 दिन में आपकी परीक्षा कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आपकी जो संविदा शाला की जो भर्ती है ये काफ़ी बड़ी भर्ती है, इसमें काफ़ी आपके पद जो हैं वो जो रिक्त हैं वो भरे जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है। एक टाइप से देखें तो ये बिल्कुल फेक लग रहा है मुझे, लेकिन ड्राफ्टिंग सेम टू सेम कर रखी है, तो ये दोस्तों हो भी सकता है। तो चलो देख लेते हैं, 1-2 दिन में या तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारा व्यापम पे, तो उससे क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज 1-2 दिन में नहीं आता है तो ये फेक है। और अभी वैसे देखा जाए तो इतनी जल्दी परीक्षा वगैरह का इसके जिस हिसाब से ड्राफ्ट कर रखा है, तो इसमें अगर डेट वगैरह देखें तो मई से जून में परीक्षा होना थोड़ा मुझे कठिन ही लग रहा है, तो ये मुझे फेक लग रहा है जो ये पीडीएफ फाइल है। हालांकि काफ़ी जगह सर्कुलेट हो रही है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया था ताकि आप को इसके बारे में बता सकूं क्या क्या फैक्ट हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसमें बताया गया है जो भी चीज़ें हैं। तो आपको जहाँ कुछ ये डाउट लगता है आप इसको वीडियो को रोक के आराम से देख सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये लगभग फेक ही लग रहा है, ठीक है। और 1-2 दिन में जैसे ही अगर अपडेट आता है तो हम आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे। ऐसा जो व्यापम वगैरह है उनकी वेबसाइट पर भी कुछ अभी अपडेट हुआ नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, नई नोटिफिकेशन अपडेट के साथ।